गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक एडेप्टेशंस इन एनिमल, चैप्टर टू है आपका ये। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ थाउजेंड्स एंड एनिमल। आपको पता होगा इस दुनिया में हजारों तरीके के, हजारों किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन अ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंड, जो कि भूमि पे, हमारी पृथ्वी पे, सतह पे बहुत सारी वेराइटीज में मिलते हैं, इन वाटर एंड फ्लाइंग इन द एयर। कुछ जो है हमें पृथ्वी पे मिल जाते हैं, ज़मीन में मिलते हैं, लैंड पे मिलते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं और कुछ पानी में उड़ते हैं। द सराउंडेड इन वाटर एनिमल लिव एंड ग्रो आर कॉल्ड द हैबिटेट्स। तो जो उनका सराउंडिंग्स होता है, यानी किसी एनिमल का जो जिसमें जहाँ रहते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उनको उसका हैबिटेट्स बोला जाता है, जहाँ वो रहते हैं, बढ़ते हैं। ए हैबिटेट प्रोवाइड द एनिमल विद वाटर, जो उनका हैबिटेट होता है वो उन एनिमल्स को क्या देता है, पानी देता है, एयर देता है, हवा देता है, फूड देता है, शेल्टर, शेल्टर रहता है रहने का जगह, शेल्टर को बोलते हैं किसी भी रहने का स्थान, शेल्टर देता है। डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं तो उनका एक अलग अलग हैबिटेट होता है, उनकी अलग अलग रहने का स्थान होता है। कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पर रहना चाहते हैं, कुछ पोलार रीजन्स में, मतलब ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वो पोलार रीजन्स होते हैं, ओशियंस में, समुद्र में, सीज में, ईस्टर्न सी। तो हर एनिमल्स का एक अपना अलग रहने का हैबिटेट होता है, अलग रहने का स्थान होता है जहाँ वो रहना प्रेफर करते हैं। आर द डिफरेंट हैबिटेट्स फॉर डिफरेंट एनिमल, हर एनिमल में अलग होता है। एनी फीचर्स और हैबिट्स दैट एनिमल एंड एनिमल्स हेल्प एन एनिमल्स टू एडजस्ट या एडजस्ट कॉल्ड एडेप्टेशन। जो जो फीचर्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, दैट एनिमल एंड एनिमल्स जो हेल्प करते हैं एनिमल को टू एडजस्ट रहने के लिए इन हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स में, तो इस चीज़ को एडेप्टेशन बोला जाता है, इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। डिफरेंट एनिमल शो डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन, अलग अलग एनिमल, अलग अलग जानवर अपना अलग अलग तरीके का एडेप्टेशन शो करते हैं, दिखाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हैबिट टेट दे लेते, वो डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे जहाँ पर रहते हैं। दीज एडेप्टेशन कैन बी देयर मूवमेंट, ब्रीथिंग ऑर्गन, बॉडी कवरिंग एंड ईटिंग। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ पर निर्भर करती हैं, उनकी रेस्पिरेशन सिस्टम पे, ब्रीथिंग ऑर्गन, उनके सांस किससे लेते हैं वो, बॉडी कवरिंग, उनके बॉडी का ऊपर कवर अप पार्ट कैसा है, ईटिंग हैबिट्स, उनके क्या खाते हैं वो, इन सब पे ये चीज़ें उनकी रहने की निर्भर करती हैं। एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमल एंड लुक द शेल्टर, दे हैव स्पेशल ऑर्गन टू मूव देयर हैबिटेट्स। एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, मूवमेंट एडेप्टेशन के लिए क्यों होती है। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्यों, भोजन की तलाश में, एंड वाटर पानी की तलाश में, प्रोटेक्ट देमसेल्फ अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए, एंड लुक फॉर शेल्टर, शेल्टर्स को देखने के लिए, मतलब अपना रहने का स्थान खोजने के लिए। दे हैव स्पेशल ऑर्गन टू मूव इन देयर हैबिटेट्स, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है अपने हैबिटेट्स में मूव करने का, रहने का। लैंड एनिमल, पहले हम बात करते हैं आज लैंड एनिमल की, फिर हम बात करेंगे वाटर एनिमल की जो पानी में रहते हैं, फिर हम बात करेंगे एरियल एनिमल्स के। सम एनिमल्स लिव इन लैंड, कुछ जानवर भूमि पे रहते हैं, है फोर लिम्स, जिनके चार लिम्स होते हैं, द टू लिम्स इन फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्स, जिनके जो आगे के दो पैर होते हैं उसे फोर लिम बोलते हैं, और जो पीछे के दो होते हैं बैक वाले होते हैं उसे हिंड लिम बोलते हैं। सच एनिमल है ज़्यादातर, ऐसा नहीं है सब एनिमल्स ऐसे होते हैं, मोस्टली हमें मिल जाते हैं एनिमल्स सच एज हॉर्स, जैसे कि हम गाय को लेंगे और हॉर्स को ले लें, कैट को ले लें, डॉग को ले लें, इन सब के फोर लिम्स होते हैं। लेग्स टू मूव वॉक, इनके पैर होते हैं चलने के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, रन और जंप कूदने के लिए, रन दौड़ने के लिए, बाइक का मदर ऐसा कंगारू एज यूजली हिंड। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही पैर होते हैं, आगे वाले हिंड लिम्स होते हैं। ह्यूमन बींग यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान होता है मनुष्य, उसके भी सिर्फ दो ही पैर होते हैं, चारों तो नहीं होते ना हम लोगों के। क्रोकोडाइल, लिजार्ड यूज फोर शॉर्ट लेग टू क्रो ऑन द ग्राउंड, लिजार्ड हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, ये शॉर्ट लेग्स होते हैं, छोटे छोटे चार पैर होते हैं जो कि वो चलने में मदद करते हैं। लिजार्ड कैन ऑल्सो क्रॉल ऑन द वॉल एंड सीलिंग इन अवर हाउसेज, स्नेक आर रेप्टाइल, स्नेक रेप्टाइल है, रेंगने वाला है,
दैट हैव नो लिम्स, जिसका कोई लिम नहीं होता. दे हैव टेल्स ऑन देयर अंडर साइड विच ग्रिप द ग्राउंड एंड हेल्प देम टू मूव. स्नेक के जो है स्केल्स होते हैं ऑन देयर अंडर साइड, उसके अंडर साइड पे नीचे वाले हिस्से में स्केल्स होते हैं विच ग्रिप, जो ग्रिप बनाते हैं, पकड़ बनाते हैं द ग्राउंड में किसी भी जगह पे उसे मूव करने के लिए आगे चलने के लिए. ऑल इंसेक्ट हैव थ्री पेयर्स ऑफ अ लेग. ज़्यादा इंसेक्ट्स में तीन पेयर होते हैं, तीन जोड़े होते हैं उनके लेग्स के, पैरों के. इन एडिशन टू हिज मैनी ऑफ देम दे हैव टू पेयर्स ऑन द विंग्स. कुछ कुछ के दो पर होते हैं, दो पैर होते हैं. मोस्ट इंसेक्ट लाइक, ज़्यादा इंसेक्ट जो होते हैं बिटल कॉकरोच एक्सेट्रा वॉक देयर लेग्स. ये जानवर जो है अपनी लेग्स से वॉक करते हैं, चलते हैं. सम इंसेक्ट लाइक, कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, ग्रास हॉपर हो गया जैसे कि, हैव वन पेयर, उसका सिर्फ एक जोड़ा होता है और लेग होती हैं विच आर लार्जर दैन द अदर टू पेयर्स, जो कि दो पेयर से ज़्यादा बड़े होते हैं. एंड यूज फॉर हॉपिंग, जो हॉपिंग करने के लिए उन्हें यूज इस्तेमाल करता है. अब बात करेंगे वाटर एनिमल्स की, पानी में रहने वाले हैं. एक्वेटिक एनिमल, तो आपको पता ही होगा पानी में रहने वाले जानवरों को हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, और जो पौधे होते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं. एक्वेटिक एनिमल है फिन. एक्वेटिक एनिमल्स के फिन्स होते हैं, वेब्ड फीट एंड पेडल लाइक लिम्स. फिश श्रिम्प विद द हेल्प ऑफ फिन्स. फिश जो है अपने जो फिन्स होते हैं उसी से ही तैर पाती है. सी मैमल्स लाइक वेल डॉल्फिन हैव फ्लिपर फॉर मूवमेंट. और ये जो सी मैमल्स हैं, सी में रहने वाले जो मैमल्स हैं, जैसे वेल हो गया, डॉल्फिन हो गई, ये जो पानी में रहने वाली जो मछलियाँ हैं, ये है फ्लिपर, ये फ्लिपर होती है अपने मूवमेंट में. फ्रॉग एंड डग हैव वीप्ड विंग दैट हैव टू स्विम. इनके पास ज़्यादा अच्छे पर नहीं होते तैरने के लिए, पर ही नहीं होते फ्रॉग के पास में. तो टैडपोल्स एंड वाटर इंसेक्ट यूज देयर लेग टू स्विम. ये अपने पैरों की मदद से स्विम करते हैं. वेयर इज टर्टल एंड पेंगुइन यूज फॉर फॉरलिम्स एज फ्लिपर फॉर स्विमिंग. और टर्टल हो गया और पेंगुइन्स हो गए, ये अपने आगे वाले जो पैर होते हैं इससे स्विम करने में हेल्प करते हैं. अब बात करेंगे हम एरियल एनिमल. बर्ड कैन वॉक ऑन लैंड एंड फ्लाई इन एयर. जो पक्षी होते हैं वो जमीन पे भी, एरियल वो होते हैं जो चल भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं. सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर. कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो पानी में भी तैर सकती हैं. ऑल बर्ड हैव वन पेयर ऑफ विंग्स. हर जितने भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं सबके एक जोड़ा पर होते हैं. दे आर मॉडिफाइड फॉर लिम्स और पैर होते हैं. दे हैव होलो बोन्स. उनकी होलो बोन्स होती हैं मेक देयर बॉडी लाइट, जिसकी वजह से उनकी हल्की हड्डियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो आराम से उड़ सकते हैं. देयर बॉडी लाइट वेट थस हेल्पिंग देम टू फ्लाई. जब उड़ने में उन्हें मदद करते हैं. लाइट वेट स्मूथ फीचर, हल्के हल्के पर होते हैं. रिड्यूस द फोर्स ऑन वेट एंड थस हेल्प द फ्लाई. मोस्ट इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई. ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं बटरफ्लाई, मॉस्किटो, बी, हाउस फ्लाई, मॉस कैन फ्लाई, ये सब उड़ सकते हैं. दे हैव स्मॉल लाइट बॉडी. उनकी बहुत हल्की बॉडी होती है एंड विंग्स बहुत हल्के पर होते हैं. बैट आर फ्लाइंग मेंबर्स. बैट भी एक मेंबर है जो फ्लाई करता है, उड़ता है चमकादार होने से. डिस्कन ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट ईच फोर लिम्स फ्रॉम देयर विंग्स. इसके पैर इसके पंख से जुड़े हुए होते हैं. सम बर्ड्स सच एज कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू एंड रिया आर अनएबल टू फ्लाई बिकॉज देयर विंग्स आर टू वीक फॉर फ्लाइंग. कुछ चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, उरिया, ये सारी फ्लाई जो बहुत छोटी चिड़ियाँ होती हैं, इनके पर भी बहुत छोटे होते हैं जो इन्हें उड़ने में मदद नहीं करते. दीज बर्ड्स आर नॉट फ्लाइटलेस बर्ड्स. तो ऐसी चिड़ियों को, ऐसे बर्ड्स को हम लोग फ्लाइट लाइट बर्ड्स कहते हैं. दे मूव ऑनली ऑन लैंड. ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर, जमीन पर, लैंड पर चल सकती हैं. द वेट ऑफ अ बर्ड फीचर्स मोर देन द डिस्टेंस. जो अब आपको पता है क्या, जो वेट होता है, जो वजन होता है ऑफ अ बर्ड फैदर्स, जो चिड़ियों के पर का वेट होता है, इस मोर देन, वो कहीं ज़्यादा, उनके ज़्यादा हैवी होता है उनके स्केलेटन से, मतलब उनकी हड्डियों के ढांचे से. अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये लैंड एनिमल, रेप्टाइल, इंसेक्ट, वाटर एनिमल, एरियल एनिमल. इनके दो दो एग्जाम्पल्स आपको इसमें फिल करने हैं. तो आपको बताना है लैंड एनिमल कौन से होते हैं. अभी हमने आपको इससे पहले बताया था जो कि लैंड पे चलने वाले होते हैं. रेप्टाइल, रेंगने वाले. इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये देखिए ये रेप्टाइल्स में आए थे. उसके बाद में वाटर एनिमल, पानी वाले. ये हमने वाटर एनिमल्स को बारे में आपको भी एक्सप्लेन किया था.
और एरियल एनिमल, एरियल एनिमल्स ये वाले थे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।